Good morning, everyone. मेस मैंने फैला के रख दिया था उस टाइम, अभी मुझे वो ठीक करना है। बेड बना के फिर मैं अपना मॉर्निंग रूटीन करूँगी। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पहले ये कर लेती हूँ, फिर आप ठीक है। थोड़ी बहुत मेरी मॉर्निंग रूटीन हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि एक माइल्ड इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे देती हूँ। बहुत ही वाहियात मेरा ड्रेस है, प्लीज़ आप लोग जज मत कीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली नहा के अभी आई हूँ। मेरा नाम है करिश्मिता कश्यप। मेरे चैनल पे आप लोग ऑलरेडी थोड़े बहुत वीडियोज़ देख ही चुके होंगे, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के वगैरह वगैरह, क्योंकि मुझे वीडियो करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं असम की हूँ, गुवाहाटी में पली बड़ी हूँ, छोटी सी फैमिली में रहती हूँ। मम्मी पापा मैं और मेरी बहन, मैं बड़ी हूँ घर की। अब सोच रहा हूँ कि मैंने हिंदी में क्यों बनाया है, व्हाई आई एम टॉकिंग इन हिंदी डिस्पाइट दैट माय मदर लैंग्वेज और माय रीजनल लैंग्वेज इज एसमिस, बिकॉज आई जस्ट वांट दैट माय ऑडियंस थोड़े से क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी है जिनको एसमिस नहीं आते, सो इवन इफ आई मेक अ व्लॉग एंड आई सेंड इट टू देम सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इट। And definitely, I would love to make a vlog someday in my original language. I have that thing in my mind, but basically, I'll be in Hindi and English so that everybody understands it, right? अभी मेरा warm water हो गया है. This is a mug that I use it every day. Because if you see here, this is Aries. ये उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने फ्रंट से मेरा ऐसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। दिस इज़ Aries एंड यहाँ पर लिखा है एनर्जेटिक कॉन्फिडेंट। चेंज कर लिया फाइनली अपने घर वाले कपड़ों में, और सस्ता वाला बाथरूम मैंने फेंक नहीं दिया एक्चुअली, रख दिया। ये बहुत ही आरामदायक एक टी शर्ट और एक ढीली शॉर्ट्स। अभी मैं जाने वाली हूँ टू टेक माई ब्रेकफास्ट, लेट्स गो। ब्रेकफास्ट खाने से पहले या खाने के बाद मैं बिस्कुट खाती हूँ, पता नहीं क्यों, सॉरी। आज वैसे तो इतना कुछ खास प्लानिंग है नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी कि आज मैं अपनी मम्मी की एक लुक रिक्रिएट करूँ। सोच रही हूँ, एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मिक्सर ग्राइंडर का आवाज़ हद है। The weather is so good, so good. I'm gonna try it. तो अगर मैं अपना मम्मी का लुक रिक्रिएट करती हूँ तो मैं ब्लॉग में ज़रूर ज़रूर ऐड करूँगी, और अगर नहीं तो फिर सो हाँ। और अगर मैं कभी लंच बनाती हूँ तो लंच का प्रिपरेशन भी चलता है, लेकिन आज मैं लंच नहीं बना रही हूँ। सो या सी यू सून। और अभी मैं टीवी देखूँगी।
थैंक्स, बाय। ओके सो मैंने सोचा कि एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं अपनी पैर के नाखून थोड़े से साफ कर लूँ और एक अच्छी वाली नेल पेंट लगा लूँ। ये मैंने एक नई नेल पेंट ऑर्डर की थी। आई एम नॉट अ नेल पेंट पर्सन, मुझे नेल पेंट लगाना पसंद नहीं है, लेकिन रिसेंटली मैंने अपने हाथों पे मेहंदी लगाई थी। मेहंदी यानी वो जो पत्ता होता है ना, मेहंदी का पत्ता जो होता है वो पैर से तोड़ कर फिर लिटरली हमने की थी। मैं आप एक फ़ोटो डाल दूँगी यहाँ पर ताकि आप लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली क्या मैं बोल रही हूँ। तो मैंने पैर में भी लगाया था, पैर में लगाने के टाइम मेरे सारे नाखून में लग गया था एंड बहुत ही गंदा दिख रहा था। तो मैंने उस पर एक सस्ता वाला नेल पेंट लगा दिया था। सो इसके बाद मुझे मेरे पैर के नाखून देखने से ऐसा हो जाता है। तो आज सोच रही कि मैं साफ़ कर लूँ और नेल पेंट भी लगा लूँ। तो इसको प्लान कैंसिल, क्योंकि आज मंगलवार है तो पापा ने बोला कि आज नहीं करना है, कल करना है। सो टुडे इज़ द सेकेंड डे। कल मैंने अपना व्लॉग कंप्लीट नहीं किया क्योंकि कल कुछ दिखाने को था नहीं इतना ज़्यादा। सो आई थॉट दैट आई वुड कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट डे। सो आज मैं ज़रूर व्लॉग कंप्लीट कर लूँगी एंड देन अपलोड भी कर लूँगी। आज थोड़ा बहुत मैंने काम किया एंड फाइनली आई कैन डू माई नेल्स टुडे। सो आई थॉट कि हाँ, नाउ आई शुड स्टार्ट व्लॉगिंग। पूरा आधा भी निकल गया है। व्हाट्स द टाइम नाउ? इट्स 1:20 और मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ व्लॉगिंग, बट ओके एनीवेज। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नेल पेंट रिमूवर, फर्स्ट आई एम गोना रिमूव इट, जो ये गंदा वाला नेल पेंट मैंने लगाया है। देन आई गो अहेड, लेट मी ट्राई हाउ डू आई शूट। मैन वेट, ये नेल पेंट्स मैंने हटा दिया है। सो नाउ दैट्स हाउ डर्टी एंड वियर्ड माई नेल्स लुक लाइक। सी ये जो मेहंदी कलर यही पर ही है, मेहंदी लगाना ही नहीं चाहिए था मुझे, पूरा गंदा दिख रहा है। सो नाउ आई ऑल्सो फाउंड आउट कि हमारे घर पे नेल कटर नहीं है। सो आई हैव टू वर्क विथ दिस, सो आई हैव टू वेरी केयरफुल। या जय माता दी बोल के अभी मैं करूँगी अपना काम। ये वाले नेल्स कट चुके हैं मेरे, पूरे छोटे कर दिए ताकि यू नो मुझे डर लगता रहता है कि कहीं पर ये उठ ना जाए। सो पूरा काट दिया, अभी इसके ऊपर मैं नेल पेंट लगाऊंगी विच इज़ दिस। सो लेट्स स्टार्ट। ये लगाने के बाद एहसास हुआ कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता ये काम करना और ये मेरे बस की बात नहीं है। लुक हाउ पथेटिकली आई हैव डन, हाउ पथेटिकली। बट वैसे क्या ही फ़र्क पड़ता है कहाँ मैं बाहर जाने वाली हूँ, कहाँ लोग दिखने वाले हैं, मुझे ही तो दिखना है। छोड़ो, लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट। दैट्स हाउ बैड आई एम। अगर आप लोग सोच रहे थे कि मैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त नेल पेंट और अपनी नेल केयर करने वाली हूँ तो आप गलत थे। मुझे करना ही नहीं आता, मैंने कभी किया ही नहीं है। बचपन में पापा करके देते थे, अभी खुद की जब बारी आ जाती है तो करते ही नहीं हम कुछ। स्पेशली मैं नेल पेंट बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। आई एम नॉट अ नेल पेंट पर्सन। जो हमारे घर में नेल पेंट नहीं है, नेल कटर नहीं है, क्योंकि मम्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं लगाती है। आई थिंक कुछ परिवार का दोष है ये। हाँ कहो गर, पूरा येलो है, सॉलिड येलो। सॉरी व्हाट डिड यू से? आई डोंट प्रेफर कलर, आई प्रेफर टेस्ट। ओह यू आर सो फनी। ओके हाय, आई डिड माय लंच और उसके बाद अभी फाइनली मैं अपना लुक क्रिएट करने वाली हूँ। सो हाय एवरीवन, मैं ब्लॉग नहीं कर पाई जब मैं रेडी हो रही थी अपनी लुक क्रिएट करने के चक्कर में, क्योंकि बहुत टाइम से मैं ये ब्लाउज़ नहीं धुन पा रही थी तो मैं व्लॉग नहीं कर पाई। बट मैं श्योरली आप लोगों को दिखाऊंगी, एक फ़ोटो डाल दूँगी क्या लुक मैं रिक्रिएट कर रही थी।
आज फाइनली मैं ब्लॉग यहीं पर ही कंप्लीट करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लगा है। मम्मी ने कुछ भी मेकअप नहीं किया था, सो मैंने भी कुछ मेकअप नहीं किया, सिर्फ लिपस्टिक लगाया और आईलाइनर लगाया, बिकॉज़ जैसी वो लुक थी मुझे वैसे ही दिखाना था। सो या आई होप ये वाली झुमके मैंने इसलिए पहने क्योंकि मैंने सोचा कि साड़ी पहन लिया तो एक दो फोटो भी खींच ही लेते हैं। सेफ रहिए और वीडियो देखते रहिए। बाय।